हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। देख लेते हैं क्वेश्चन को हमें क्या गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -k17 एंड 4-k3 इन द रेशियो 2:3। कि हमें क्या दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसी एक पॉइंट के, यानी क्या कहते हैं कि जो जॉइन करने से किसके -1 और 7 है और दूसरा क्या है 4 और -3 के जॉइन करने से बना है, जो इस लाइन को कोऑर्डिनेट बताना हमें, जो डिवाइड करता है इस लाइन को, यानी ये अगर ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, कोऑर्डिनेट निकालने हैं जी किसके, सी के निकालने हैं, ठीक है ना। तो इसको ये 2:3 कितने डिवाइड करते हैं, 3 के अंदर डिवाइड करते हैं। समझ में आ गई चीजें? ओके जी, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि देखिए, क्या हमें जो ये पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे हमने क्या मान लिए, वाई, ठीक है। तो क्या लेट सी एक्स वाई आर क्या है रिक्वायर्ड, क्या है अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेट है ये। तो क्या यूज करेंगे जी, बाय सेक्शन फॉर्मूला, वही बात है जी, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, ठीक है। हमने क्या माना कि जो सी एक्स वाई है हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो किसका यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों आप सब को पता ही होगा कैसे, अगर हमें एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 + m2, एक बार ऊपर कर दिया एक बार नीचे कर देंगे, है ना। अब m1 है, x की बात हो रही है, x2 और यहां पे x1, ये होता है किसका, x का। अब बात होती है जब y की, तो y का भी ऐसे ही m1 y2 + m2 y1 और नीचे क्या m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है अपना, बहुत बढ़िया जी। अब इसके अंदर देखा जाए दोस्तों, जो रेशियो होते हैं, इस पहले वाले रेशियो को मान लेते हैं m1, दूसरा वाला क्या बन जाएगा m2, बहुत बढ़िया जी। और ये कोऑर्डिनेट है हमारे, ये वाला है x1, ये y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2 है, बहुत बढ़िया। x की बात करते हैं जी, x हमें निकालना है, m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है 4, प्लस के m2 की 3 है, और x1 की वैल्यू कितनी है -k1, और नीचे क्या बन जाएगा 2 + 3, x = 4 to the 8, प्लस माइनस दोस्तों माइनस 3 बन जा 3, 2 + 3 कितना बन गया 5, 8 - 3 दोस्तों कितना 5, नीचे 5 है, 5 से 5 कट कितना आ गया 1। ऐसे निकालते हैं दोस्तों किसका, अपना y का, y = m1 कितना था 2 और y2 कितना अपना ये रहा -k3, प्लस के m2 कितना है जी, देखिए रहता है 3, और y1 कितना है, y1 है जी 7, मल्टीप्लाई में 7, और नीचे क्या है 2 + 3, y निकालना है 2 3 जा माइनस का निशान है ना 6 आ जाएगा, प्लस के 7 3 जा 21, नीचे कितना है जी 5। तो y = दोस्तों प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस 21 में 6 कितने बचे 15 है, नीचे आ जाएगा 5, 5 से कटवा कितना 3। तो जो अपने कोऑर्डिनेट हैं ऑफ c कितने आ जाएंगे दोस्तों, = में कितना आ गया, पहले लिखते हैं x का फिर लिखते हैं y का, 1 and 3। दोस्तों यही इसके अंदर निकालना था, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी कैसा भी डाउट लग रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पूछना चाहो तो वहां भी आप पूछ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।